नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अव्यय के विषय में चर्चा कर रहे थे। अव्यय कभी भी बदलते नहीं हैं, चाहे हम किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य बनाएं, अव्यय का जो अर्थ होगा वह निश्चय ही समान होगा। तो आइए साथियों, जानते हैं अव्यय के वाक्य। देखिए, है स्नेही, स्नेही का मतलब होता है साथियों धीरे। स्नेही मीन्स धीरे। और ये स्नेही शब्द यदि दो बार हम लिखते हैं इस प्रकार से, स्नेही और स्नेही, तो दोनों का अर्थ क्या होगा? धीरे धीरे। हम वाक्य बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे राम धीरे धीरे काम करता है, तो हमारा वाक्य होगा राम है स्नेही 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 कार्यम करोति। राम धीरे धीरे काम करता है। रामे स्नेही स्नेही कार्यम करोति। राम स्नेही स्नेही धीरे धीरे कार्यम कार्य करोति करता है। राम प्रथम पुरुष एकवचन है, तो क्रिया भी यहाँ पर प्रथम पुरुष एकवचन की यूज करेंगे। ठीक है, यदि हमें ये वाक्य लंग लकार भूतकाल में बनाना हो तो क्या करेंगे? देखिए, भूतकाल में बनाएंगे तो केवल क्रिया चेंज करेंगे, रामे स्नेही स्नेही कार्यम अकरोत। वाक्य बनेगा हमारा अकरोत। सेंटेंस क्या बना? राम धीरे धीरे कार्य करता था। अकरोत मीन्स करता था। ठीक है, लृट लकार भविष्यत काल में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? रामे स्नेही स्नेही कार्यम करिष्यति। ये हम भविष्यत काल में वाक्य बनाएंगे। राम स्नेही स्नेही धीरे धीरे कार्यम करिष्यति काम करेगा। लोट लकार में रामे स्नेही स्नेही कार्यम करोतु। राम धीरे धीरे काम करे। विधिलिंग लकार में रामे स्नेही स्नेही कार्यम कुर्यात्। कार्यम कुर्या, राम को धीरे धीरे काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से लट लकार लंग लकार लृट लकार लोट लकार और विधिलिंग, पांचों लकारों में हम वाक्य इस प्रकार से बनाएंगे। पांचों लकारों में हम वाक्य किसी भी प्रकार से बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन जो अव्यय का जो अर्थ है वो कभी भी बदलता नहीं है। अब हम लट लकार में अभ्यास करते हैं, क्योंकि यदि लट लकार में हमने सेंटेंस बनाया है और यदि दूसरे लकार में बनाते हैं तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट अव्यय के विषय में जानते हैं। जैसे अद्य, नेक्स्ट अव्यय हमारा अद्य। अद्य का मतलब होता है आज। अद्य मीन्स आज। देखिए, ये है हमारा अद्य। अद्य मीन्स आज। अध्य इस प्रकार से भी लिख देते हैं, है द और ये अध्य इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो द और ये दोनों ये मिलाकर के क्या बनता है? द और फिर इस प्रकार से दे बनता है। ठीक है, तो देखिए अध्य रविवासरे अस्ति। ये वाक्य बना हुआ है। अद्य आज
रविवार से रविवार अस्ति है, आज रविवार है। नेक्स्ट वाक्य बनाएंगे अद्य से ग्रामम गमिष्यति। ये सेंटेंस बना हमारा, आज वह गांव जाएगा। तो आज, आज वह गांव जाएगा। नेक्स्ट है स्वे। स्वे का मतलब होता है कल। कौन सा कल? आने वाला कल, आने वाला कल। स्वे मीन्स आने वाला कल। जैसे अहम स्वे क्रीड़ा क्षेत्रम गमिष्यामि, गमिष्यामि। अहम मैं स्वे कल क्रीड़ा क्षेत्रम खेल के मैदान में गमिष्यामि जाऊंगा। मैं कल खेल के मैदान में जाऊंगा, तो कल जाऊंगा। तो स्वे आने वाले कल के विषय में बात कर रहे हैं। जैसे मैं कल गणित विषय पढ़ूंगा, अहम स्वे गणित विषयम पठिष्यामि। अहम मैं स्वे कल गणित विषयम, गणित विषय पठिष्यामि पढ़ूंगा। मैं कल गणित विषय पढ़ूंगा। इस प्रकार से भी वाक्य हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पुनः। पुनः का मतलब होता है फिर। फिर का मतलब दोहरान। जैसे से पुनः पाठम पठती, वह फिर पाठ पढ़ता है। पुनः मीन्स फिर, दोबारा। से पुनः है। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे सा पुनः ग्रामम गच्छति, वह फिर गांव जाती है। सा पुनः ग्रामम गच्छति, वह फिर गांव जाती है। नेक्स्ट अव्यय हमारा है अधुना। अधुना मीन्स अब। अधुना मीन्स अब। अब तुम क्या करोगे? जैसे वाक्य है अधुना अब त्वम तुम किम क्या करिष्यसि करोगे। अब तुम क्या करोगे? अधुना त्वम किम करिष्यसि, अब तुम क्या करोगे? ठीक है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है अधुना अहम रामायणम पठिष्यामि, अब मैं रामायण पढ़ूंगा। अधुना अब अहम मैं रामायण पठिष्यामि पढ़ूंगा, अब मैं रामायण पढ़ूंगा। नेक्स्ट है इदानीम। इदानीम का मतलब भी अब होता है। जैसे इदानीम अव्यय शब्द है, इसका मतलब भी अब होता है। अब तुम कहां जाओगे? अधुना त्वं कुत्र गमिष्यसि, कुत्र गमिष्यसि, अब तुम कहां जाओगे? अधुना त्वं कुत्र गमिष्यसि, अब तुम क्या करोगे? ठीक है, जैसे ये अधुना का प्रयोग किया हमने, यहां पर इदानीम का प्रयोग भी कर सकते हैं। इदानीम अब से वह नगरम गमिष्यति, अब वह नगर जाएगा। इदानीम अब से नगरम गमिष्यति, वह नगर जाएगा। नेक्स्ट है कदा। कदा का मतलब कब?
कब यहाँ पर समय होना चाहिए, जैसे तुम विद्यालय कब जाते हो, त्वम विद्यालयम कदा गच्छसि, त्वम विद्यालयम कदा गच्छसि, तुम विद्यालय कब जाते हो। नेक्स्ट जैसे से कदा अत्र आगच्छति, से वह कदा कब अत्र यहाँ आगच्छति आता है, वह कब यहाँ आता है या वह यहाँ कब आता है, वह यहाँ कब आता है। इस प्रकार से हम अव्यय का प्रयोग करते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।